गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट। तो हमने टू रूल देखे थे, वहां पे हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे। आज हम कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कब कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अभी जो क्लर्क वाला एग्जाम हुआ था उसमें सभी एग्जाम्स में इनमें से सेंटेंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसमें इनमें से आपके क्वेश्चन आया हुआ था। सो मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है, जब आपके पास इट इज टाइम होगा, इट इज हाई टाइम हो, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आपको क्या करता है एग्जामिनर, लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे देता है और बोलता है भी राइट जो है करेक्ट वर्ब इसमें फिल करने के लिए आपको बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर देखना है। यदि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट दे रखा है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद कोई अदर वर्ड या फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन यदि इट इज हाई टाइम के बाद आपको टू मिले तो टू के बाद हमेशा आपको लगा देना, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं इनके टू स्ट्रक्चर बनते हैं। यदि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके बाद सब्जेक्ट आता है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। यदि इन वर्ड्स के बाद, इन शब्दों के बाद, यानी कि इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इनके बाद यदि सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इट इज अबाउट टाइम का मीनिंग क्या होता है, यही समय है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज हाई टाइम सी, ये हमारा क्या आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने कौन सा लगा दिया पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ओपन कर दिया द सोप, तो ये सोप यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है, वो इस सी की वजह से लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट से पहले क्या दे रखा है, इट इज हाई टाइम, यानी कि इन सभी शब्दों में से कोई भी एक शब्द पहले आ जाए और उसके बाद यदि सब्जेक्ट आएगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी होगी, और यदि इन सभी वर्डों के बाद यानी कि इन सभी शब्दों के बाद यदि सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। आपको ये अच्छे से अपने माइंड में पुट कर लेना। रूल क्या है, टू स्ट्रक्चर बनते हैं हम, इट इज अबाउट टाइम, फिर टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। इट इज अबाउट टाइम यदि उसके बाद हमें सब्जेक्ट दे रखा है तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इज इट क्लियर। अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे, इट इज टाइम, अभी इनमें से आ गया इट इज टाइम, फिर उसके बाद दे दिया टू, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है, इट इज टाइम टू गो होम। तो ये स्ट्रक्चर भी आप अपना ध्यान में रखेंगे, क्योंकि और ये स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्पफुल कहाँ होगा, जब आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर आप माइंड में रखेंगे, जब आप वर्ब फील कर रहे हैं तो भी आप वहां इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, और आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट वर्ब भी फील कर सकते हो और खुद की अपने सेंटेंस भी आप बना सकते हो। इट इज टाइम इस तरह आपने यूज करके आपको पता होगा, यदि आप सब्जेक्ट लगाओगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यदि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद यदि आप सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। उसके बाद हमारा ये रूल हमारा कंप्लीट हो गया, रूल नंबर हमारा सेकंड था, अब हमारा रूल नंबर थर्ड, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद हैबिचुअल एक्शन। यानी कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है कि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, जब हैबिचुअल एक्शन की बात आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वहां पे यूज कर सकते हैं और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, जो हैबिट
हैबिट हम जब शो करते हैं तो दो, जब हम पास्ट में शो करेंगे या तो हम यूज करेंगे यूज्ड टू, यूज्ड टू की हिंदी क्या होती है किया करता था, यूज्ड टू की हिंदी क्या होगी किया करता था। वुड या फिर हम वुड से, वुड का जो यूज है वो भी हमारा हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, यानी कि जब हमें हैबिट शो करनी होगी वो हैबिट हमारी पास्ट की होती है तो हम या तो यूज टू का यूज करके करते हैं या फिर हम वुड का यूज करके करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई हमें कब यूज टू का यूज करना चाहिए, कब हमें वुड का यूज करना चाहिए। तो यूज टू यानी कि कोई ऐसी हैबिट है जो हमेशा ही करते थे तो हम यूज टू का यूज कर देंगे, लेकिन कभी कभार यदि हम कोई आदत ऐसी भी कभी कभी हम करते थे, हम कई बार बताते ना जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता, कभी कभी मैं ये करता था, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, यानी कि हमेशा मैं ऐसे करता था तो हम वहां पे यूज टू लगाते हैं, और मैं कभी कभी ऐसे करता था, ठीक है कोई पास्ट की हम हैबिट बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम मैं कभी कभी ऐसे करता था, तो वहां पे फिर हम वुड से बताते हैं क्योंकि वुड कहाँ लगाएंगे, कभी कभी किया करता था। मैंने आपके लिए हिंदी में भी बता दिया है, आप प्लीज अपनी नोटबुक में अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएंगे ताकि आपको बार बार जो है वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो, क्विक रिवीजन आपका हो जाए। अब बात उठती है वुड से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वुड लगाएंगे, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको वुड का तो यूं तो पता ही है कि जितने भी मॉडल्स हैं सभी में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ वर्ब की फॉर्म तो यूज याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वुड है, वुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और मॉडल्स के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब हम वुड लगाएंगे तो हमें ये वर्ड साथ में मिलेंगे, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, डेली, यूजुअली, ठीक है, यानी कि वुड के साथ आपको ये वर्ड्स मिलेंगे और वो आपका पास्ट की हैबिट शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसका ये रूल हमें पता चल गया, इसका बेनिफिट क्या होगा जब हम अपने पास्ट की कोई ऐसी हम खुद अपनी घटना बताएं, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ आल्सो, ठीक है, देन वी शुड यूज वुड टू टेल अवर पास्ट हैबिट्स, यानी कि कुछ ऐसे हैबिट्स जो हम कभी कभी करते थे उनको बताने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं और हम अपने सेल्फ सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो ये हमें फायदा मिलेगा। और हम जब कभी आपको आपको एग्जाम देते हो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मोरास वगैरह मिल जाए और आपको ये वर्ड मिल जाए, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, डेली, यूजुअली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिले साथ में, तो समझ लेना वहां पे आपको वुड लगाना है और कोई हैबिट शो कर रहा हो तो वहां आप वुड लगाओगे। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये वर्ड आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे, कहता है ही वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल, वो कभी कभी मंदिर में जाता था, ही वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल, ठीक है। अब देखो ही वुड आ गया है, पास्ट की हैबिट बता रहा है, समटाइम्स भी वर्ड आ गया जो ऊपर हमने जो वर्ड्स बताए हैं, गो टू टेम्पल हो गया, आई वुड गो टू टेम्पल डेली, मैं हमेशा मंदिर जाता था, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया है, डेली आ गया है, यानी कि ये वुड जो है ये पास्ट की हैबिट बताता है। और अब हम यूज टू का देखेंगे, जब हमारा सेंटेंस यूज टू से हमें बनाना है तो क्या होगा, पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यूज टू, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही यूज टू ड्रिंक, वो ड्रिंक करता था, ही यूज टू वॉच मूवी, वो मूवी देखता था, तो ये क्या है उसकी पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। तो इसका मतलब भी ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो हमने सेकंड रूल में हमने इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम ये स्ट्रक्चर देखा, इसमें दो तरह की हम सेंटेंस, दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का यूज करके, एक तो सब्जेक्ट, अगर इनके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यदि इनके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, यानी कि दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद हमने जो
हैबिचुअल जो एक्शंस होती है, जो पास्ट की हैबिट्स अगर हम उनको बताते हैं तो वहां पे हम किस किस का यूज कर सकते हैं, यूज टू का यूज करके हम पास्ट की हैबिट बता सकते हैं और वुड का यूज करके हम पास्ट की हैबिट बता सकते हैं। यूज टू में और वुड में फर्क क्या है? यूज टू का मतलब तो हम कोई ऐसी आदत जो हमेशा करते थे, और वुड जो है उस आदत को डिनोट करता है जो हम कभी कभी करते थे। अब हमारा फिफ्थ रूल देखेंगे हम। कहता है क्वेश्चन विल कम इन डबल क्लॉज, लेकिन जो हमने अभी किया था जो रूल, वो रूल हमें किस फॉर्म में मिलेगा? जो क्वेश्चन होगा हमारा वो डबल क्लॉज के रूप में आएगा, यानी कि सेंटेंस हमारा इस प्रकार से मिलेगा हमें। कैसे? वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज योर वर्ब प्लस कोई नाउन होगी या फिर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में वैन मिल जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी कोई वर्ब या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद हमें तीन टाइप, यानी इस शुरू में तो हमें फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये सब मिलेगा, और जो उसके जो थर्ड जो तीन पार्ट होंगे उसमें या तो सब्जेक्ट मिलेगा या फिर यूज टू मिलेगा, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो किसके लिए यूज होगा? यानी कि यूज टू अभी हमें कोई रेगुलर कोई हम काम कर रहे हैं, यानी कि कोई पास्ट की हमारी कोई रेगुलर हमारे इंसिडेंट है, कोई रेगुलर हमारी घटना है, तो उसको शो करने के लिए हम यूज टू लगाएंगे। लेकिन कुछ हमारी अगर कोई कभी कभी, अभी हमने पीछे जब अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, यूज टू यानी कि हैबिट बताने के लिए हम यूज टू और वुड का यूज करते हैं। जब हमारी कोई ऐसी आदत है जो हमेशा ही होती थी तो हम वहां पे यूज टू का यूज करते हैं, और कोई ऐसी हैबिट थी जो हमारी इररेगुलरली यानी कि कभी कभी करते थे तो वहां पे हम वुड लगाते थे। तो फिर हमें सब्जेक्ट वुड प्लस, यानी कि जो अभी हमने जो रूल सीखा था वो हमें टू डबल क्लोज में मिलेगा, यानी कि डबल क्लोज यानी कि एक पार्ट ये, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, ठीक है। अभी हमने पहले उसको सीखा है, एक क्लोज में हमने सीखा उसको, लेकिन हम अब अप्लाई कहाँ करेंगे? डबल क्लोज में उसको अप्लाई करेंगे। अब इसका एक सेंटेंस देखेंगे, वैन आई वॉज इन अमेरिका, तो वैन आ गया हमारा, तो आई सब्जेक्ट है, वॉज या वर में से वॉज आ गया, इन अमेरिका ये हमारी नाउन या ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया है, फिर सब्जेक्ट यूज कर लिया हमने आई, फिर यूज टू लगा लिया, ये जो यूज टू यहाँ पे बताया गया है, फिर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टी विद ब्रेकफास्ट। अब ये क्या कहता है? जो रेगुलर, देखो यहाँ पे समझना है, जो रेगुलर हमारी हैबिट्स है उनको शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हेन आई वाज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई यूज टू टेक टी विद ब्रेकफास्ट, यानी कि तो फिर हम मेरे जो ब्रेकफास्ट था तो मेरी हैबिट थी कि मैं चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट करता था। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ये ऐसे भी हो सकता है, व्हेन आई वाज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई वुड समटाइम्स, देखो वही वर्ड्स डेली, समटाइम्स ये वाले वर्ड जो है एवरीडे वगैरह, ये जो वर्ड्स मैंने अभी बताए थे, जो वुड का यूज होगा तो उस वुड के साथ ये वर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। तो कहता है आई वुड समटाइम्स टेक टी विद ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं कभी कभार जो है ब्रेकफास्ट के साथ चाय ले लेता था, इसकी ये हिंदी होगी। यानी कि ये जो है वुड वाला जो सेंटेंस है वो उसकी इररेगुलर जो हैबिट है उसको बताता है, वो कभी कभार वाली आदत बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, कहता है व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई टुक टी। अब देखो जो नॉर्मल, देखो एक तो रेगुलर एक्टिविटी हो उसको शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, जो इररेगुलर जो एक्टिविटीज है, इररेगुलर जो एक्टिविटीज है उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं? वुड का यूज करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज है उनको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखेंगे, व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई टुक टी विद ब्रेकफास्ट, जब मैं अमेरिका में था तो मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेता था, एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे वो रेगुलर जो यूज टू रेगुलर टी को बताता है, वो इरेगुलर एक्टिविटीज को बताता है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज को शो करता है। आई थिंक ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि यूज टू वुड कब यूज टू का यूज करते हैं रेगुलर एक्टिविटी को शो करने के लिए, वुड का यूज हम इररेगुलर एक्टिविटीज को शो करने के लिए करते हैं, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म
जो हम किस कब करेंगे, जब हमें नॉर्मल एक्टिविटीज यानी कि नॉर्मल हैबिट्स हमें बतानी, नॉर्मली कोई हम अपनी आदत बताते हैं, हमें पास्ट की जब कोई नॉर्मल आदत बताएं तो वहां पे ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या होगा, वैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वाजे ओवर में से एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर हो सकता है। तो ये रूल आई थिंक जो हमारा रूल फिफ्थ था वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा जो सिक्स्थ रूल है, अब उसमें देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि याद रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि टू के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, तो ये वाला रूल करने के बाद आपको अब वो चीज क्लियर हो जाएगी। अभी देखो, यदि हमें ये सेंटेंस की फॉर्मेशन इस प्रकार से मिले, यानी कि पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर वॉज वर, इनमें से कोई भी इज एम आर भी मिल सकता है, वॉज वर भी मिल सकता है, यानी कि एक मिलेगा या तो इज मिलेगा, एम भी मिल सकता है, आर भी, या वॉज या वर, यानी कि इन पांचों में से एक मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर वॉज वर में से एक हेल्पिंग वर्ब मिले, या उसके बाद यूज टू मिले तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। यानी कि यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज भी करते हैं, लेकिन हम वो कब करते हैं, जब उससे पहले वाला पार्ट यहाँ पे सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमारा ये हो गया है यूज टू से पहले वाला पार्ट, एक यूज टू के बाद वाला पार्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस के आपको टू पार्ट्स मिलेंगे, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी कब लगाओगे, जब आपको यूज टू से पहले इज एम आर या वॉज वर मिले तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे, या फिर आपको मिल जाए यूज टू के प्लेस पे आपको मिल जाए एडिक्टेड टू मिल जाए तो भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। लेकिन ध्यान रखना है ये जो यूज टू है, एडिक्टेड टू है, अकस्टम्ड टू है, या फिर हेजिटेटेड टू है, इनसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इज एम आर मिलेगा, या वॉज वर मिलना, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, हेजिटेटेड टू, इनसे पहले आपको इज एम आर वॉज वर होना जरूरी है। जब इनसे पहले इज एम आर या वॉज वर होगा तभी आप इनके बाद, इनके जो ये टू लगा हुआ है इनके पास बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करोगे। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, शर्त क्या होगी, यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, हेजिटेटेड टू, ये जो आपकी वर्ब्स होंगी इनसे पहले आपको इज एम आर या वाज वर्ब का होना कंपल्सरी होगा। यानी कि यदि इज एम आर में से एक होगा या वाज वर्ब में से एक होगा केवल तभी, और उनके बाद यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हेजिटेटेड टू होगा तभी हम उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ये इसकी एक कंडीशन है, इज एम आर वॉज वर में से एक होना जरूरी है। अगर यही कंडीशन कंप्लीट करेगा तो ही हम इन वर्ब्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। अब एग्जांपल देखेंगे, आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग टी। अब यहाँ पे देखो आई के पक्ष से पहले क्या आ गया, एम आ गया है, आई एम, तो एम लगने की वजह से, और ये वर्ब भी आ गई है अकस्टम्ड, फिर टू भी आ गया है। अब टू के बाद हम जनरली क्या करते हैं, भाई टू आ गया, भाई टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि अकस्टम्ड हमारी वर्ब आ गई और वर्ब से पहले बी का रूप आ गया है, इज एम आर वर्ब वर आ गया है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। वैसे ही ही वॉज एडिक्टेड टू टेकिंग टी, तो यहाँ पे एडिक्टेड टू आ गया है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया है, वॉज आ गया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, टेकिंग टी कर दिया हमने। ही वॉज हेजिटेटेड टू टेकिंग टी, अब हेजिटेटेड वर्ब है, इससे पहले क्या आ गया है, वॉज आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा देंगे। आई थिंक अब आपको ये रूल भी अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये वर्ब्स यू आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हेजिटेटेड टू,
इन वर्ब से पहले यदि बी का कोई रूप आ जाता है, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब को बी का रूप बोलते हैं। यदि इनसे पहले इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक आ जाता है तो फिर हम इन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं। ये हमारा रूल था सिक्स। अब रूल हमारा एक सेवंथ और देखेंगे। तो सिक्स रूल तक आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, प्लीज इनको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में और अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने इस पास्ट टेंस को अच्छे से कर लिया तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि हम मोस्टली प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस ही अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारा जो रूल है, यदि हमारे पास हमें मिल जाए टूडे, जो रूल नंबर 7 क्या कहता है, हमें ये वर्ड मिल जाए टूडे, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग भी हो सकता है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग या दिस मंथ, मैं ओनली शॉर्ट में लिख रही हूं, दिस मंथ, दिस ईयर भी हो सकता है, दिस ईयर एक्सेट्रा। अगर इस प्रकार से ये वर्ड मिल जाए हमें, ठीक है, तो इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज किए जाते हैं और पास्ट इनडेफिनिट में भी यूज किए जाते हैं। यानी कि इन वर्ड्स के साथ हम पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। इन वर्ड्स के साथ हम पास्ट इनडेफिनेट के रूल भी लगा सकते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होगा। वर्ड्स कौन से होंगे? दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस ईयर, ये जो टूडे, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रेजेंट, दिस प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट इनडेफिनिट में। अब इसका एक बार एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आई हैव सीन हिम टूडे, आई हैव सीन हिम टूडे, ठीक है, तो ये टूडे जो वर्ड आ गया है तो हमने क्या लगा दिया, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई सॉ हिम टूडे। अब देखो टूडे वर्ड आ गया है, इस वजह से हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इनडेफिनेट हमने यूज कर दिया है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बेटे कुछ रूल्स और भी रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो इसका थर्ड पार्ट, यानी कि बिल्कुल डीपली अगर आपको चाहिए इसके रूल्स, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, वो भी करवा दूंगी। आपकी इसका एक पार्ट और डालना पड़ेगा पास्ट इनडेफिनेट का, क्योंकि ये हमारी स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सीडेंट्स वगैरह से, यानी कि पास्ट की कोई भी इंसिडेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो इसको हमें डीपली जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।